हरियाणा पुलिस की मौजूदा आईटी प्रणाली में एक बड़ा बदलाव। सीसीटीएनएस के माध्यम से अस्पताल और पुलिस विभाग का किया एकीकरण। हरियाणा पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में एक और प्रमुख पहल करते हुए हरियाणा पुलिस महानिदेशक डीजीपी श्री बी एस संधू ने आज हरियाणा पुलिस के अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के साथ मेडिको लीगल मामलों से संबंधित अस्पताल के आंकड़ों के एकीकरण का अनावरण किया। पुलिस मुख्यालय पंचकुला में आयोजित इस कार्यक्रम में डीजीपी मुख्यालय श्री के मिश्रा, डीजीपी अपराध श्री पी के अग्रवाल, डीजीपी कानून और व्यवस्था मोहम्मद अकील, एडीजीपी संचालन और आईटी श्री ए एस चावला, आईजीपी प्रशासन डॉक्टर एम रवि किरण, आईसी हिसार रेंज श्री संजय कुमार, आईजीपी सीएमएफएस श्री राजेंद्र कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए श्री ए एस चावला, जो सीसीटीएनएस परियोजना के नोडल अधिकारी भी हैं, ने अवगत कराया कि हरियाणा प्रदेश के कुछ राज्यों में से एक है जिसमें पुलिसिंग और अधिक प्रदर्शनी और प्रभावी बनने के लिए सीसीटीएनएस के माध्यम से अस्पताल और पुलिस विभाग को एकीकृत किया है। उन्होंने कहा कि सीसीटीएनएस के साथ अस्पतालों का एकीकरण हरियाणा पुलिस की मौजूदा आईटी प्रणालियों में एक बड़ा सुधार है। इस एकीकरण के माध्यम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिको लीगल रिपोर्ट और सीसीटीएनएस परियोजना से पुलिस अधिकारियों द्वारा देखा या डाउनलोड किया जा सकता है। अस्पतालों के लिए एफआईआर वितरण जिला पुलिस स्टेशन, एफआईआर नंबर और तिथि के संयोजन के आधार पर पीडीएफ और ग्रिड दोनों प्रारूप में उपलब्ध हैं।